हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टेब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए होमोलॉजी, ऑप्शन बी एनालॉजी, ऑप्शन सी कन्वर्जन इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी अडैप्टिव रेडिएशन। सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो सिमिलैरिटी होती है बोन स्ट्रक्चर्स में इन द फोर लिम्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज होमोलॉजी। सो होमोलॉजी क्या होती है? होमोलॉजी होती है सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स। सो इट इज द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर्स और सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। सो स्पीशीज डिफरेंट हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं, बट इनमें क्या होता है, देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है मे बी कि इनके पास जो है कोई कॉमन एंसेस्टर हो। सो ये जनरली इसमें अगर एग्जांपल हम देखें तो हमारा फोर लिम्स जो है ऑफ मेनी वर्टेब्रेट्स जैसे ह्यूमंस, वेल्स एंड बैट इसका एग्जांपल होते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शंस देख लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस जो गिवन है। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमें गिवन है वो है होमोलॉजी। सो होमोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये क्या होता है, ये होता है सिमिलैरिटीज बिटवीन स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। सो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज एनालॉजी। सो एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी आती है हमारी जब हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो सिमिलर हैं बट ये अडैप्ट कर रहे हैं किसी और चीज के थ्रू। सो देयर इज सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर बट ये जो है ये कॉमन एंसेस्टर्स शेयर नहीं करते हैं। ये क्या होता है, ये किसी इसमें एनवायरमेंट में चेंज की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिमिलर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज कन्वर्जन डिवोल्यूशन। सो कन्वर्जन डिवोल्यूशन क्या होता है हमारा? कन्वर्जन डिवोल्यूशन आता है हमारा जब हमारी दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जो होती हैं ये अनरिलेटेड होती हैं। सो दे आर अनरिलेटेड बट ये क्या करती हैं, ओवर द टाइम ये ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स और अपने एक्वायर कर लेती हैं जो कि सिमिलर हो जाते हैं। सो देयरफॉर ये ट्रेट्स में सिमिलर होती हैं बट ये पहले अनरिलेटेड होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज अडैप्टिव रेडिएशन। सो अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? अडैप्टिव रेडिएशन आता है हमारा जब हम देयर इज रैपिड डाइवर्सिफिकेशन। सो जब रैपिड डाइवर्सिफिकेशन होता है विच हैपेंस इन अडैप्टिव रेडिएशन, सो इसमें क्या होता है, डिफरेंट लीनिएजेस फॉर्म हो जाते हैं। सो ये रैपिड डाइवर्सिफिकेशन होता है ऑफ लीनिएजेस जिसके वजह से एक वाइड वैरायटी जनरेट हो जाती है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए होमोलॉजी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।